Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and green. तो एक लीफ के बाद में दूसरी लीफ जो गोल्ड की थी वो स्वेलो जो है उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से निकालता जा रहा था और अब जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही डल और ग्रे ग्रे यहाँ पर ग्रीफ के लिए भी आ सकता है, सोरो के लिए भी आ सकता है और गोल्डन कलर का था इसलिए अब वो फैड हो चुका है, लीड निकल आया है इसलिए भी आप बता सकते हैं। तो गोल्ड निकलने के बाद में जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो काफ़ी डल और ग्रे दिखाई दे रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड He brought to the poor and the children faces grew rosier and they laughed and play in the street we have read now they cried aur ek ke baad ek leaf lakar jo hai wo poor logo ko deta tha aur jis unke us cold ki wajah se un children ke faces par ek rosy yani pink color ka glow aa jata tha wo bade hi haste muskurate galiyon mein ab khel rahe the aur wo ye chilla rahe the कि अब एटलीस्ट हमारे पास में खाने के लिए ब्रेड है। देन द स्नो केम और फिर स्नो गिरना शुरू हो जाती है एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट और स्नो के बाद में एकदम अच्छी वाली जो ठंड है वो पूरे मौसम को जकड़ लेती है। द स्ट्रीट लुक्स एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर और अब अगर आप उनकी गलियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सारी बर्फ से बनी हुई है। Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. जितने भी लोग हैं उस सिटी में रहने वाले सब ने फर से बने हुए जो वॉर्म क्लोथ्स हैं वो पहन रखे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को अच्छे से कवर अप कर रखा है और स्कीइंग के लिए जो है वो आइस पर निकल गए हैं। The poor little swallow grew colder and colder. अब बेचारा जो स्वेलो है एक तो इतनी ऊंचाई पर है दूसरा इतना ठंड पड़ रहा है तो बेचारा उसको कोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करने लग जाते हैं। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस ही लव्ड हिम टू वेल लेकिन वो कभी भी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर स्टोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स छोटे छोटे क्रम्स होते हैं आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है वो सूख जाने के बाद में छोटे छोटे क्रम्स बन जाते हैं तो जो स्वेलो है वो बेकर के डोर के बाहर की तरफ वेट करता था और जब वो बेकर नहीं देख रहा होता था तो वहाँ से छोटे छोटे क्रम्स जो है वो खाने के लिए पिक कर लेता था और ख़ुद को गर्म करने के लिए अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ाता था ताकि बॉडी में एनर्जी जो है वार्मनेस जो है वो बनी रहे। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई लेकिन उसे पता था कि ठंड की वजह से वो जल्दी ही मर जाएगा। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वन मोर और ये लास्ट टाइम था उसके स्ट्रेंथ का कि वो एक बार फिर से उड़ के प्रिंस के शोल्डर के पास में गया। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड विल यू लेट मी किस योर हैंड और फिर वो लास्ट गुड बाय कहता है उस प्रिंस के पास में शोल्डर के पास में जाके और कहता है कि तुम लास्ट टाइम मुझे किस करने का मौका दोगे अपने हाथों पे। आगे क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।